गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर मनीष, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग हमारे हिस्ट्री के अंदर 6 चैप्टर पूरे कर चुके हैं और 7th चैप्टर की आज हम बिगनिंग कर रहे हैं, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेशन एजुकेटिंग द नेशन। अब यहाँ पर देखिए, देश को शिक्षित करने की बात आ रही है। कैसे हुआ, क्या हुआ? इन द अर्लियर चैप्टर यू हैव सीन हाउ ब्रिटिशर्स रूल्स अफेक्टेड राजाज एंड नवाब्स, पीजेंट एंड ट्राइबल्स। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इम्प्लीकेशन इट हैड फॉर द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वॉन्टेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यू, दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, दे हैड टू सिविलाइज द नेटिव्स, चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यूज। देखिए, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश रूल के अंदर राजा, नवाब, पीजेंट और ट्राइबल्स जो हैं वो परेशान हो रहे थे, लेकिन क्या शिक्षा को लेकर के स्टूडेंट्स के साथ में कुछ हो रहा था, उसके बारे में अपन जो है वो इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं कि क्या उन्होंने कस्टम को, ट्रेडिशन को, इन सब को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम किया। व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, हाउ आर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, सिविलाइज एंड मेड इन टू वॉट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स। द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, दे कंटिन्यू टू बी द डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स। देखिए, ये एक अपने आप में जंग थी कि ब्रिटिशर्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या परिवर्तन करते और उससे उनको क्या फ़ायदा पहुँचता, या ब्रिटिशर्स इंडिया के स्टूडेंट्स को क्या चाह रहे थे एजुकेट करना, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक विवाद चला और उस विवाद के अंदर मतलब बहुत लंबे दशक तक ये बहस होती रही। देखें अपन इस चैप्टर में, हाउ द ब्रिटिश शॉ एजुकेशन, किस तरीके से देखते थे ब्रिटिशर्स एजुकेशन को, शिक्षा को। लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट्स एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज ऑफ एजुकेशन दैट वी नो नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवॉल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मतलब किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो देख रहे थे और उसमें लास्ट 200 ईयर्स के अंदर एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या बदलाव किया। इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू द ब्रिटिशर्स आइडियाज। इनको देखते हुए साथ में अपन ये भी देखेंगे कि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स के आइडियाज़ को कैसे एक्सेप्ट करते थे या देखते थे। देखिए अपन इसमें और आगे देखते हैं, एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड। और उस चक्कर में ये भी अपन को देखना है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किस प्रकार से एजुकेट करने का प्रयास किया। द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म, देखिए, इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जॉन्स अराइव्ड इन कैलकटा। 1783 में विलियम जॉन करके एक व्यक्ति कैलकटा आता है। ही हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ जूनियर जज एज द सुप्रीम कोर्ट दैट द कंपनी हैड सेटअप। जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश था उसके अंदर उसको जूनियर जज की जो है वो पोस्ट दी गई थी। इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जोन्स वाज अ लिंग्विस्ट। देखिए, कानून का तो वो ज्ञाता था, लेकिन साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छा भाषाओं का जानकार भी था। लिंग्विस्ट का अर्थ भाषाओं का जानकार। ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक और लैटिन भाषा को पढ़ा था। न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश हैड पिक्ड अप अरबिक फ्रॉम अ फ्रेंड। फ्रेंच और इंग्लिश आती थी और अरबिक उसने अपने एक दोस्त से सीख ली थी। एंड हैड ऑल्सो लर्न पर्शियन, और साथ ही साथ पर्शियन भाषा भी सीख ली थी। एट कैलकटा ही बिगिन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित्स हु टॉट हिम द सब क्लेटिस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अब देखिए, जब ये इंडिया आ गया, कोलकाता में आने के बाद में इसने कुछ समय पंडितों के साथ बिताया जिन्होंने जोन्स को व्याकरण, संस्कृत की भाषा का जो ज्ञान था वो उन्होंने दे दिया। लैंग्वेज, ग्रामर एंड पोएट्री। सून ही वॉज स्टडिंग एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑन लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक,
मेडिसिन एंड द अदर साइंस। जब उन्होंने संस्कृत भाषा को सीख लिया तो उसका उपयोग उन्होंने कहाँ किया, उन्होंने कहा कि जब मैं संस्कृत सीख चुका हूँ तो क्यों ना मैं जो संस्कृत भाषा के अंदर अपना पुराना साहित्य लिखा गया था, स्पेशली जो साहित्य कानून, फिलोसॉफी, धर्म, राजनीति, मानवता, गणित, दवाइयाँ या विज्ञान, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी संस्कृत भाषा में था तो उसकी जो है वो विलियम जोन्स ने पढ़ना शुरू कर दिया। जोन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल लिविंग इन कैलकटा एट द टाइम। इंग्लिशमैन लाइक हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड द नथानियल हेल्ड वर ऑल्सो बिजी डिस्कवरिंग द एंशियंट इंडियन हेरिटेज। उस समय कुछ और भी गोरे लोग, जैसे कि उसमें एक हेनरी थॉमस के जिक्र आया है, एक कॉलब्रुक का आया है, सॉरी हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एक ही व्यक्ति है, नथानियल हेल की बात आई है, ये लोग भी एंशियंट इंडिया का जो साहित्य या कल्चर था उसको खोज रहे थे। मास्टरिंग इंडियन लैंग्वेजेज एंड ट्रांसलेटिंग संस्कृत एंड पर्शियन वर्क्स इनटू इंग्लिश टुगेदर विद देम जॉन्स सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेज। जॉन्स ने इन दोनों के साथ में भारतीय भाषाओं के आधार पर एक एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में इस्टेब्लिश की और एक जर्नल, एक अखबार एशियाटिक रिसर्चेज करके जो है वो शुरू कर दिया। जॉन्स एंड कॉलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एल्टीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया, दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर द एंशियंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। देखिए, जॉन्स और कॉलब्रुक की एक बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने पर्टिकुलर एल्टीट्यूड जो था भारत का उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके एटीट्यूड जो था भारत का उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है प्रस्तुत किया। उन्होंने जो एंशियंट कल्चर था अपना उसको बहुत सम्मान दिया, चाहे वो इंडिया का हो या वेस्ट का हो, प्रॉपर तरीके से उन्होंने सम्मान दिया। साथ ही साथ इंडियन सिविलाइजेशन जो है उनको भी ऐसा लगता था कि जो एंशियंट ग्लोरी है पास्ट की वो मतलब डिक्लाइन ना हो, तो इसी वजह से उसको अंडरस्टैंड करके इंडिया को ये नेसेसरी था उसको डिस्कवर करना और उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो आगे लोगों के बीच में लेकर के आना एंशियंट पीरियड के जो नॉलेज को है। इसीलिए उन्होंने टेक्स्ट जो है लिखे, रिवील किया उनके आइडियाज़ और लॉज को, हिंदूज और मुस्लिम्स के जो ज्ञान है उसको, और एक नई स्टडी जो है वो टेक्स्ट की जो है वो अपने बेसिस पे उन्होंने फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भारत में उन्होंने ये शुरू की। जॉन्स और कॉलब्रुक जो हैं वो डिस्कवर करते गए एंशियंट टेक्स्ट को और अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग्स, ट्रांसलेटिंग दैम एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोज टू अदर्स, दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिशर्स वुड बिकम द गार्जियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज द मास्टर्स। देखिए, जॉन्स और कॉलब्रुक का जो काम था वो ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स के लिए ही हेल्पफुल हो, वो ये चाह रहे थे कि मतलब जो ब्रिटिशर्स इसको पढ़ेंगे उनके तो ये लिटरेचर काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो इंडिया अपना कल्चर लॉस्ट कर चुका है तो ये उनके लिए रीडिस्कवरी हो जाएगी, तो इसलिए उन लोगों ने ये काम किया था। इन्फ्लुएंस्ड बाई सच आइडियाज मैनी कंपनी ऑफिशियल्स अर्ज्ड that the Britishers out to promote Indian rather than Western learning. They felt that the institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian text and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. The officials also thought that the Hindus and Muslims ought to be taught what they were already familiar with and they valued and treasured, not subjects that were aligned to them. Only
देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स ओनली देन कुड द अलाइन रूलर्स एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको अच्छे से, कुछ लोग ये चाह रहे थे कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करें जहाँ वो हिंदू और मुसलमानों को वो चीज़ें सिखाए जिससे वो जानकारी उनको ना हो, जो चीज़ें उनको पता है उसके बारे में उनको जानकारी देना वो सही नहीं समझते थे। इससे क्या होगा, अगर उनका दिल जीतेंगे तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। विद दिस ऑब्जेक्ट इन द व्यू ऑफ मद्रास मदरसा वॉज सेट अप इन द कोलकाता इन 1781 टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक पर्शियन एंड इस्लामिक लॉज। इसीलिए 1781 में अरेबिक पर्शियन और इस्लामिक कानून की शिक्षा को प्रमोट करने के लिए मदरसे इस्टेब्लिश किए। एंड द हिंदू कॉलेज वॉज स्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791 टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। 1791 में हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया बनारस के अंदर, जिससे कि संस्कृत भाषा का ज्ञान जो है या देश के प्रशासन को चलाने में जो है वो हेल्प ज़्यादा मिल सके। नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर्ड दिस व्यूज, मैनी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। सारे ऐसा नहीं सोचते थे, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे, सारा की सोच एक जैसी नहीं थी उसमें। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, अब ये देखिए, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ द लर्निंग। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसफिशियंट थाट्स। उनका ये कहना था कि ईस्ट का ज्ञान देना कब्र के अंदर बिठाने जैसा है, कि उनके हिसाब से ये ज्ञान अधूरा है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, और उनके हिसाब से ये नॉलेज प्रॉपर नहीं है, इसमें बहुत कमियां हैं और ये इतना काम का नहीं है। सो दे अर्ज्ड argued that it was wrong on the part of the British to spend so much efforts in encouraging the study of Arabic and Sanskrit language and literature. उनका ये कहना था कि इन सब के ऊपर समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है, इनकी स्टडी आप छोड़ दीजिए, इससे बेहतर होगा आप अपना काम करिए, वेस्ट के लिटरेचर पे और इस पर ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों के नॉलेज पे कोई मतलब नहीं है। James Mills was one of those who attacked the orientalist the British efforts he declared should not be to teach what the natives wanted or what they respected in order to please them and win a place in their heart the aim of education ought to be to teach what was useful and practical। उन्होंने कहा कि हमें उनको वो चीज़ें नहीं सिखानी है जो वो चाहते हैं, हमें उनको वो चीज़ें सिखानी है जो हमारे काम की हों। So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances and that the West had made rather than with the poetry and the scattered literature of the Orient। हाँ कि मतलब instead of that education आप literature और संस्कृत और उसके बारे में बताएं, इससे अच्छा है कि जो आपने नया discover किया उसके बारे में बताएं, आपके achievements के बारे में बताएं, उससे ये लोग ज़्यादा सीखेंगे। By the 1830s that tax on the orientalist to become sharper, one of the most outspoken and influential of such critics of that time was the Thomas Babington Macaulay। He saw India as an uncivilized country that needing to be civilized, no branch of eastern knowledge according to him could be compared to what England had produced। Who could deny, declared Macaulay, that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of Indian and Arabia। He urged that the British government in India stop wasting public money in promoting Oriental learning, for it was no practical use।
मेकाले का कहना था कि इन धर्मों और ग्रंथों की जानकारी पे पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है, आप उनको ऐसी शिक्षा दीजिए जो उनके काम आ सके, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के प्रैक्टिकल तरीके से उसका यूज़ हो ऐसा ज्ञान दीजिए। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मेकाले एम्फसाइज्ड द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज। ही फेल्ट दैट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउज इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड। इट वुड बी मेक दैम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। टीचिंग ऑफ इंग्लिश वुड दस बी अ वे सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट वैल्यूज एंड कल्चर। मैकाले का कहना था कि अगर उनको अपन इंग्लिश सिखाएंगे तो वो सिविलाइज हो जाएंगे और बहुत नज़रिए से अपने जीवन के तरीके को बदलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, विज्ञान सीख सकते हैं, दर्शन सीख सकते हैं, सिविलाइज हो सकते हैं वो लोग, उनका टेस्ट बदल सकता है, कल्चर बदल सकता है, वैल्यू बदल सकती है। मैकालेज जो मतलब उनकी थिंकिंग थी, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई एजुकेशन एंड टू स्टॉप द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कैलकटा मद्रा मदरसा एंड द बनारस संस्कृत कॉलेज। मैकाले के अकॉर्डिंग सिर्फ हायर एजुकेशन में इंग्लिश और इंस्ट्रक्शन के लिए इंग्लिश को कंपलसरी कराएं और सबको यही चीज़ सिखाएं इंस्टीड ऑफ मदरसा और हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश करने के लिए। दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एंड एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्फ इनटू डिके। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिकम टू बी द प्रोड्यूस फॉर स्कूल्स। अब किताबें इंग्लिश में छपने लग गई और उस शिक्षा से उनका ही फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इससे किसी और का फ़ायदा हो, तो उनका टारगेट यही था ऐसी शिक्षा दें जिनसे लोग इंग्लिश सीखें और उनके लिए काम कर सकें। फिर अपन एजुकेशन फॉर कॉमर्स कल देखेंगे।